सोलन में गरीब लोगों के लिए नगर निगम ने आशियाने बनाए थे, जिन्हें नगर निगम ने चाबियां तो सौंप दी थी, लेकिन अभी तक उन्हें उन आशियानों में जाने की अनुमति प्रदान नहीं की है। गौरतलब है कि यह कवायद नगर परिषद द्वारा की गई थी, लेकिन कई वर्षों बाद भी अभी तक पात्र व्यक्ति पैसा देकर भी अपने सपनों के घर से दूर हैं। अब नगर निगम सोलन की पहली मेयर पूनम ग्रोवर ने इन गरीब लोगों को यह आशियाने जल्द देने का वायदा किया है, जिसको लेकर वह रोज आवेदनकर्ताओं से मिल रही है और यह जानने का प्रयास कर रही है कि आखिर उन्हें यह फ्लैट्स क्यों नहीं मिल पाए। मेयर पूनम ग्रोवर ने बताया कि नगर परिषद द्वारा 41 फ्लैट्स की चाबियां गरीब लोगों को दी थी, जिनमें से 10 आवेदनकर्ताओं ने 1.5 लाख की पूरी राशि जमा करवा दी थी। 7 लोगों ने केवल 1 लाख रुपए जमा करवाए थे। 7 लोगों ने 1,50,000 रुपए जमा करवाए हैं। 16 लोग ऐसे हैं जिन्होंने 50,000 रुपए से भी कम पैसे जमा करवाए हैं। अब इन सभी लोगों को कहा गया है कि जल्द से जल्द बकाया राशि नगर निगम में जमा करवाएं, जिन्हें यह भी कहा गया है कि उन्हें कम से कम 1 लाख रुपए जमा करवाना अनिवार्य होगा, जिसके लिए नगर निगम ने उन्हें 2 माह का समय भी दिया है। उन्होंने कहा कि इस बीच नगर निगम फ्लैट्स में बिजली पानी का प्रबंध कर रहा है। उन्हें उम्मीद है कि जल्द ही उन्हें यह फ्लैट्स की चाबियां सौंप दी जाएंगी। ये 48 में से हमारे पास 41 हैं जिनको चाबियां दी गई थी, उसमें से 10 लोग ऐसे हैं जिनकी 1.5 लाख की अमाउंट हमारे पास जमा हो चुकी है और इनको बिजली पानी का NOC भी दिया जा चुका है, और 7 लोग हैं जिनकी 1 लाख से ऊपर की अमाउंट हमारे पास जमा है। 7 लोग हैं जिनकी 50,000 से ऊपर की रकम हमारे पास जमा है। 16 लोग ऐसे हैं जिनकी 50,000 से नीचे की रकम है। तो हमने इंडिविजुअल सबको एक एक करके बुलाया है, उनकी पेपर फॉर्मेलिटी सारी चेक की है कि उनके हिमाचली सर्टिफिकेट लगा है, लो इनकम का सर्टिफिकेट लगा है, लैंडलेस का लगा है एफिडेविट, और IRDP का कार्ड लगा हुआ है। तो वो सब चेक किया है, उसमें से 2-3 लोग ऐसे हैं जिनके लो इनकम का सर्टिफिकेट नहीं लगा हुआ था, तो उनको हमने बोला है कि अति शीघ्र वो लाएँ और यहाँ पर जमा करवाएँ। दूसरा, जो 50,000 से नीचे की अमाउंट है, किसी की 20,000 है, किसी की 30,000 है, तो हमने उनको बोला कम से कम भी आप 1 लाख रुपए जमा करवाओ। तो उनको हमने 1-2 महीने का टाइम दिया है कि आप कोशिश करो कि ये जमा हो, क्योंकि ये जो है 5-6 साल हो गए इस प्रोसेस को। अगर वो साथ साथ 2-2 हज़ार रुपये अभी हर मंथ करवाते तो आज तक ये कम्प्लीट हो जाता है। तो इनको जो है बताया नहीं गया प्रॉपर प्रोसेस का, तो ये लोग बड़े काफ़ी परेशान हुए हैं कि कोविड काल भी रहा है, तो इन्होंने कहा है कि हमें थोड़ी दिक्कत है। तो हमने इनको बोला कोई बात नहीं, 1-2 महीने का टाइम लो, कम से कम 1 लाख आप जमा करवाओ, उसके बाद जो 50,000 आपकी रकम रह जाएगी, जो आप रेंट में किश्त देते हो वही रेंट जो है हमारे को देते रहो, तो ऐसे आपका प्रोसेस ये कम्प्लीट हो जाएगा, तो अति शीघ्र हम आपको वहाँ रहने की परमिशन देंगे। अति शीघ्र कोशिश करेंगे, हम लगे हुए हैं, पानी का प्रोसेस भी हमारा चला हुआ है कि वो पानी की लाइन आगे तक बिछाई जाए, तो जहाँ से इनको पानी के कनेक्शन लेने की सुविधा हो। इलेक्ट्रिसिटी से भी हमारी बात चली हुई है, तो इधर हमने एग्रीमेंट के लिए भी हमारा प्रोसेस चला हुआ है, तो कोशिश करेंगे कि अति शीघ्र जो है इनको वहाँ पर रहने की परमिशन दी जाए।